तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, खुले में कचरा डालने पर 3 फैक्ट्रियों को नोटिस। 2 दिन पहले ही सिडकुल में 11 मवेशियों की मौत हुई थी। जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है और इसके बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस भेजा है फैक्ट्रियों को। आपको बता दें कि लगातार खुले में कचरा फेंका जा रहा है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सिडकुल में 11 मवेशियों की इसी के चलते मौत हो गई। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये नोटिस भेजा है। तो कारण बताओ नोटिस भेजा गया है फैक्ट्रियों को, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है हरिद्वार से। सिडकुल में 11 मवेशियों की प्रदूषण के चलते मौत हो गई है, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है, क्योंकि खुले में कचरा फेंकने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और इसी के चलते मवेशियों की मौत हुई। 11 मवेशी हैं जिनकी मौत हुई है, आपको बता दें, और इसके बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है कि आखिर खुले में कचरा क्यों फेंका जा रहा है। पुलकित शुक्ला संवाददाता हरिद्वार से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पुलकित, क्या अपडेट मिल पा रही है इस संबंध में, नोटिस भेजा गया है? हाँ देखिए, पिछले 2 दिन पहले एक सिडकुल क्षेत्र में, जो हरिद्वार का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ 10-11 ऐसे मवेशियों की मौत हो गई थी जो कि संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी, जिसमें से लगभग 7 या 8 गाय बताई जा रही थी, बाकी भैंस इस तरह के पशु थे, तो उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। जो स्वास्थ्य विभाग है, पशु चिकित्सा विभाग है और केंद्रीय प्रदूषण जो बोर्ड है उसके द्वारा अंदेशा जताया जा रहा था कि जो पशुओं की जो मौत हुई है वो कुछ जहरीले पदार्थ खाने से, केमिकल युक्त पदार्थ खाने से वहां पर ये मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी तरह से उसका स्पष्ट हो पाएगा। तो फिलहाल जो है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने ऐसी 3 कंपनियों को हरिद्वार के सिडकुल स्थित जो कंपनी है उनको कारण बताओ का नोटिस जारी किया है, क्योंकि उस समय निरीक्षण के दौरान ये पाया गया था कि इन कंपनियों के द्वारा, जिसमें एक VLCC है और वैद्य फार्मा करके कंपनी है, इन कंपनियों के द्वारा खुले में जो है कचरा फेंका जा रहा था, किसी भी तरह का कचरा प्रबंधन इन्होंने नहीं अपनाया था, तो ऐसी कंपनियों को नोटिस दिया गया है और फिलहाल उसमें जो है जांच की जा रही है। यदि संतोषजनक जवाब ये कंपनियां नहीं दे पाती है तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलकित, जिस तरह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 मवेशियों की मौत के बाद यह डिसीजन लिया, हालांकि कचरा जिस तरीके से खुले में फेंका जा रहा है इससे बीमारियां पैर पसार रही हैं, अब फैक्ट्रियों की तरफ से क्या किसी तरह का कोई रुख निकलता नजर आया? देखिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इससे पहले भी कई बार इस औद्योगिक क्षेत्र में कई कंपनियों को जो है नोटिस दिए जा चुके हैं और उनसे जो है कार्रवाई की चेतावनी उनको दी जा चुकी है, लेकिन लगभग जो कंपनियां हैं वो पूरी तरह से अपनी मनमानी पर एक तरह से उतारू हैं और वो किसी भी तरह से इस तरह की कचरा प्रबंधन जो है उनको वो नहीं अपना रही है, और कई इस तरह के नाले भी हैं, छोटे नाले जो फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त उसमें से पदार्थ निकलते हैं या अन्य पानी उसमें निकलते हैं, तो उसी के कारण ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और मवेशियों के भी इससे पहले भी यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है कितना सख्त रवैया इनके प्रति अपनाता है, तभी जाकर ये कंपनियों के जो मनमानी इन पर लगाम रख सकेगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर अब फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब किस तरह का सख्त रुख अपनाता है। आपको बता दें, जिस प्रदूषण के चलते खुले में जिस तरीके से फैक्ट्रियों से कचरा बाहर निकलता है, जहरीला पदार्थ है वो खाने की वजह से 11 मवेशियों की मौत हुई है और इसके बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अब फिलहाल क्या इस संबंध में कार्रवाई होती है, कितना सख्त रुख होता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, ये